Good morning class, this is our new pathology class in which today we will start a new system of pathology, that is pathology of female reproductive tract, in which today we will study the first topic of this chapter, that is uterine fibroid. देखिए uterine fibroid को हम uterine myoma, fibroma या फाइब्रॉइड वगैरह जैसे या लियोमायोमा जैसे नामों से जानते हैं. ये बेनाइन ट्यूमर होता है विमेन में, इसको केवल मायोमा, फाइब्रोमायोमा और फाइब्रॉइड भी कहते हैं. ये ट्यूमर यूटेराइन कॉर्पस की स्मूथ मसल से बना होता है. इसके अलावा ये सर्विक्स में या राउंड या ब्रॉड लिगामेंट पर भी देखा जाता है. तो डेफिनेशन, यूट्राइन फाइब्रॉइड एक लियोमायोमा है, ये बिनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर है स्मूथ मसल टिश्यू का, जो कि स्मूथ मसल यूट्रस की स्मूथ मसल लेयर से ओरिजिनेट होता है, यानी मायोमेट्रियम से ये बनता है. इसके कॉजेज, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पर फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक ऑल्टरेशंस, हॉर्मोन्स और दूसरे केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सेवरल ग्रोथ फैक्टर जैसे एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, स्टीरॉयड हॉर्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. रिस्क फैक्टर्स, हेरिडिटी अगर किसी के चलती आ रही है, जो कि हम हर कैंसर में पढ़ते हैं. रेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, रेशियल फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं. इसके अलावा प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एकमात्र कैंसर है या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर जो रिप्रोडक्टिव एज में पाया जाता है. क्योंकि अधिकतर कैंसर अपन आफ्टर रिप्रोडक्टिव एज यानी मीनोपॉज के बाद अपन पढ़ते हैं, पर ये मीनोपॉजल स्टेज से पहले यानी मिनार्क और मीनोपॉज के दौरान, रिप्रोडक्टिव लाइफ के दौरान देखने को मिलता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान देखने को मिलता है. नली पैरिटी, ओबेसिटी भी इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी इसके रिस्क में रहते हैं. टाइप्स अगर आप देखें तो बॉडी और कॉर्पोरियल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल या इंटरस्टीशियल फाइब्रॉइड, सब सिरोसल फाइब्रॉइड और सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड. कॉर्पोरल फाइब्रॉइड्स की बॉडी के बेसिस पर अपन ये देख रहे हैं कि तीन तरह के होते हैं, इंट्राम्यूरल जिसको इंटरस्टीशियल फाइब्रॉइड भी कहते हैं, सब सिरोसल और सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड. अब डायग्राम को देखते जाइए तो मैं आपको इनका मतलब समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा. देखिए, विद इन द यूट्राइन वॉल इज नोन एज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड. तो पिक्चर में देखिए इंट्राम्यूरल आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यूटेराइन वॉल के अंदर. तो इंट्राम्यूरल के सामने आप क्या लिखेंगे, विद इन द यूटेराइन वॉल. फिर सब म्यूकोसल में प्रोट्रूड इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी, एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर प्रोट्रूडेड रहता है. तो सब म्यूकोसल को देखिए भाई आप, ये कहाँ पर है, एंडोमेट्रियल कैविटी में प्रोट्रूडेड रहता है सब म्यूकोसल. और थर्ड है सब सिरोसा, प्रोट्रूड फ्रॉम द सिरोसल सरफेस ऑफ द यूट्रस, सिरोसल सरफेस जो है यूट्रस की उससे प्रोट्रूडेड रहता है. इसके अलावा देखो आपको पिक्चर में पता चल रहा है कि अगर इसमें ऐसे ये स्टेम से जुड़ा हुआ होता है, एक डंडी से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको अपन पेडंकलेटेड भी कहते हैं, जिसमें स्टेम होता है वो पेडंकलेटेड कहलाता है. तो ये इसकी कंडीशंस हैं जो अपन ने, या इसकी अपन टाइप्स कह सकते हैं कि इसमें टाइप्स आपको देखने को मिल रहे हैं. अब सर्वाइकल फाइब्रॉइड 1-2% केसेस में देखने को मिल रहा होता है. ये सब सिरोसल फाइब्रॉइड वगैरह देखो इस पिक्चर के अंदर भी अच्छा दिखाया गया है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड दिखाया गया है. सेकेंडरी चेंजेस जो फाइब्रॉइड में आते हैं, तो डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, हाइलाइन डीजेनरेशन, सिस्टिक डीजेनरेशन, कैल्सिफिकेशन, फैटी डीजेनरेशन, रेड डीजेनरेशन और सेप्टिक डीजेनरेशन जैसे चेंजेस इससे जुड़े हुए होते हैं. इसके अलावा इन्फेक्शन, एट्रोपी साइज कम हो जाता है, नेक्रोसिस, सेल डेथ हो जाती है, वैस्कुलर चेंजेस, ब्लड वेसल का वहाँ पर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सैक्रोमेटस चेंजेस वहाँ पर देखने को मिलते हैं. क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे तो 75% तो एसिम्प्टोमेटिक है, और रिमेनिंग में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मैलिटी जैसे मीनोरेजिया 30% केसेस में, मेटोरेजिया या इरेगुलर ब्लीडिंग देखने को मिलती है. इसके अलावा पेन भी हो सकता है अगर वो पेडंकलेटेड जो ट्यूमर अपन ने देखे थे उनमें टॉर्शन आ जाए तो, और पैल्विक प्रेशर भी देखने को मिलता है एडजेसेंट विसरा में. इसके अलावा डिसमेनोरिया हो सकता है, 30% में इनफर्टिलिटी हो सकती है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है. पेन क्यों हो रहा है, मैंने कहा पेडंकलेटेड में टॉर्शन आ जाए, वो जो स्टेम है वो घूम जाए अगर, तो दर्द होता है.
एब्डोमिनल स्वेलिंग जिसको लंप कहते हैं वो देखने मिलती है, और प्रेशर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन साइन सिम्टम्स पढ़ लिए। अब डायग्नोस देख लें तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर सकते हो, तो ये फर्मनेस आपको दिखाई देगी जहाँ पर भी ये सिस्टिक डिजनरेशन आ रहा होता है। तो मार्जिन जो है वेल डिफाइंड होते हैं लोअर पोल के अलावा। नोड्यूल दिखाई दे सकते हैं जो यूनिफॉर्मली एनलार्ज होती हुई दिखाई देगी। मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है क्योंकि डाउनवर्ड अबाउ डाउनवर्ड में साइड टू साइड मूव करते हुए। परक्यूजन, तो परक्यूजन पर डल स्वेलिंग आपको दिखाई देगी। पेल्विक एग्जामिनेशन में बाई मैनुअल एग्जामिनेशन कर सकते हो, तो इरेग्युलर यूट्रस का एनलार्ज साइज दिखाई देगा। यूट्रस सेपरेटेड फील होगा नहीं स्वेलिंग की वजह से। सर्विक्स जो है वो मूव्स विद इन द मूवमेंट ऑफ द ट्यूमर फेल्ट पर एब्डोमेन, जहाँ पर भी ट्यूमर फील हो रहा था उसके अकॉर्डिंग ये सर्विक्स जो है मूव कर जाता है। तो अपन डायग्नोस में एब्डोमिनल ट्रांस वेजाइनल और पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, हिस्ट्रोसेल्पेंजियोस्कोपी यानी यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब दोनों की, सेल्पेंजियोग्राफी अपन कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी अपन कर सकते हैं। डायग्नोसिस के बाद पैथोलॉजिकल चेंजेस देख लीजिए भाई। तो इस कैंसर का, ये ट्यूमर का, सॉरी कैंसर तो ये है नहीं, इस ट्यूमर का साइज वेरी करता है बहुत ग्रेटली। फर्म सराउंडेड स्यूडो कैप्सूल भी इसमें दिखाई दे रहा होता है जो यूट्राइन मायोमेट्रियम का बना हुआ होता है या कंप्रेस मायोमेट्रियम का बना होता है। तीसरा, यूट्राइन कैविटी आपको लार्ज दिखाई देगी जिसमें एंडोमेट्रियल सरफेस एरिया बढ़ जाता है और यूट्राइन ब्लीडिंग एक्सेस में दिखाई देगी। तो पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, देयर साइज वेरीज ग्रेटली फर्स्ट, सेकंड, दे आर यूजुअली फर्म एंड सराउंडेड बाय अ स्यूडो कैप्स्यूल कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड बट अदरवाइज नॉर्मल यूटेराइन मायोमेट्रियम। थर्ड, द यूट्राइन कैविटी मे बिकम लार्जर इंक्रीजिंग द एंडोमेट्रियल सरफेस एरिया। एंड फोर्थ, इंक्रीज यूटराइन ब्लीडिंग। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, मेनोरेजिया, एब्डोमिनल पेन, अगर प्रेगनेंसी दौरान हो रहा है तो प्रीमेच्योर बर्थ या लेबर में प्रॉब्लम्स, और मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन कॉज हो सकता है, और इनफर्टिलिटी भी ये कॉज कर देता है। लियोमायोसार्कोमा देखने को मिलता है, फाइब्रॉइड की ट्विस्टिंग हो सकती है, ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर क्योंकि ट्यूमर सारा ब्लड खा जाता है, पी जाता है। यूनिट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, सी सेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। कुछ प्रेग्नेंट वीमेन में फाइब्रॉइड्स की वजह से हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है बर्थ के बाद, जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है। बस इतना ही है, ये आपका यूट्राइन फाइब्रॉइड जो फर्स्ट टॉपिक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेनिंग कैंसर ट्यूमर्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी।